साधन रत हूँ साधक भैया परमेश्वर पार करे नैया साधन रत हूँ साधक भैया आस्था अचल हिमाचल सी हो धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो मति निरमल सुर सरिता सी हो मति निरमल सुर सरिता सी हो सुरभित नटवर नंदलाल साधन रत हो साधक भैया जन्ते देव सा करुण हृदय हो दुख सुख में ये संत अभय हो सत साधक की सदा विजय हो सत साधक की सदा विजय हो तुम मोहन की बसुरिया साधन रत हो साधक भैया जीवन में सब विधि संयम हो जीवन में सब विधि संयम हो जग हित रत तव तन मन धन हो जग हित रत तव तन मन धन हो समदम उद्यम चरणाश्रय हो समदम उद्यम चरणाश्रय हो पकड़ प्रभु की ही भैया साधन रत हो साधक भैया परमेश्वर पार करे नैया साधन रत हो साधक भैया साधन रत हो साधक भैया भगवान गुरु के आश्रय में गुरु के साथ एकात्म होकर के मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे हाथ जोड़ करके मम व्रते हृदयम् ते दधामि मम चित्तम् अनुचित्तम् ते हस्तु मम वाचम् एकमना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्त मह्यम। देखो चाहे संसार का मार्ग हो या सन्यास का मार्ग हो एक ही शब्द का भेद है खाली। जब गृहस्थ में पति पत्नी दोनों मिलकर के गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक स्वधर्म का पालन करते हुए जब एक आदर्श पति आदर्श पत्नी आदर्श माता पिता की आदर्श अपने माता पिता के लिए आदर्श संतति की भूमिका निभाते हैं तब भी यही मंत्र बोलते हैं मम व्रते हृदयम् ते दधामि मम चित्तम् अनुचित्तम् ते अस्तु मम वाचम् एक मना जुषस्व प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम्। और अध्यात्म क्या बोला बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम्। बस इतना ही भेद है। तो कपाल भाति करते करते एक दिव्य जीवन का सबसे श्रेष्ठ साधन
गुरु आज्ञा में ही चलना।